Namaskar. I am a physics teacher of Lotus Petal Foundation in Pratishthan Learning Center. Today I will discuss about electric field and the properties of electric field with you. So let's begin our session. So पहले हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. मान लीजिए मैंने एक चार्ज कंसिडर किया है से क्यू, एंड इसके अलावा एक और चार्ज मैं कंसिडर करती हूँ से क्यू वन. जब भी इस चार्ज क्यू वन को मैं क्यू के पास लेकर जाती हूँ तो ये कुछ ना कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. अब ये फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, और ये रिपेल भी कर सकता है अगर दोनों के दोनों चार्जेस एक जैसे हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला भी पॉजिटिव है, राइट. दैट मींस जब मैं इस चार्ज को क्यू वन चार्ज को क्यू के पास लेकर आ रही हूँ तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम फील्ड अराउंड दिस चार्ज. दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज. That means I can write this equation like F is equal to QE. So what is electric field? Electric field is a kind of force that is experienced by a test positive charge placed around that given charge. Now moving further, electric field lines. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने दो चार्ज ले लिए, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं. दे स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज. अगर मैंने दोनों चार्ज को एक साथ लिया तो ये कुछ इस तरीके का फिगर मेरे पास आता है. आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है और वो जाकर टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव चार्ज. अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्गर होगा और कहाँ पर वीक होगा. जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है वो वहाँ रहता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी. जैसे अगर मैं इस रीजन पर ले रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा. लेकिन अगर मैं इस पोर्शन के बीच की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़रा वीक होगा, राइट. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर वेयर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्लोजर. इस पिक्चर की बात करो तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वहाँ पर पूरा का पूरा एक ग्रुपिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो स्ट्रॉन्गर होंगी. नाउ मूविंग फर्दर, ये पॉइंट्स वही हैं जो भी मैंने आपको डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट वाला पॉइंट बात करता है डाइपोल के बारे में. इसलिए पहले डाइपोल देख लेते हैं, डाइपोल होता क्या है. डाइपोल बेसिकली अगर मैं दो चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ एंड दे आर सेपरेटेड बाय से सम डिस्टेंस ए और टू ए, राइट. तो डाइपोल क्या बोलेगा? डाइपोल बेसिकली बोलता है डाइपोल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन चार्ज. यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी चार्ज इज सेम, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज गिवन बाय 2aq, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से. दैट मीन्स अगर मैं एक डाइपोल बना रही हूँ तो डाइपोल में एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, एक फील्ड से वो पास आउट हो रही हैं. अगर मैं इस पिक्चर की बात करती हूँ तो ये वाला जो ये जो बीच की बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ये एक डाइपोल बना रही है. ऊपर वाली जो फील्ड लाइन्स और नीचे वाली जो फील्ड लाइन्स है ये डाइपोल की कैटेगरी में नहीं आएगी. नाउ मूविंग फर्दर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लेते हैं हमने कोई चार्ज लिया है से क्यू. अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होंगी. अगर मुझे क्वेश्चन में आता है कि हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो आपको यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. दैट मीन्स जो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, दिस टेंजेंट गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिस थ्रू पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सर्फेस. बेसिकली मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर एक शीट लेती हूँ
दिस इज़ माई शीट, और इसके परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिफील्ड लाइन्स क्रॉस हो सकती हैं, इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ इस शीट के परपेंडिकुलर लेकर। फिर से समझने की कोशिश करना, अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया है, यहाँ से इलेक्ट्रिफाइड लाइन्स निकाली हैं और मैं जानना चाह रही हूँ कि यहाँ से इस एक पर्टिकुलर शीट से कितनी इलेक्ट्रिफाइड लाइन्स पास हो रही हैं, ये मैं तभी निकाल पाऊँगी अगर मैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरी शीट को रखूँगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतनी ज़्यादा निकलेंगी जितनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी दैट मीन्स द मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉजिटिव चार्ज, राइट। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं उतनी ज़्यादा ही इस शीट से पास होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई इज इट सो, ये क्या होता है अभी से देखते हैं। अगेन आई एम टेकिंग सम चार्ज से क्यू, मैंने ये बोला कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मैं ले लेती हूँ, यहाँ से इसको क्रॉस कर रही है। अब क्रॉस करने के बाद अगर मुझे इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, सो आई नीड टू ड्रॉ द टेंजेंट। अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो इसका टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, क्योंकि मेरे पास दो टेंजेंट बनी है दैट मीन्स दो डायरेक्शन हो गई, लेकिन किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दो डायरेक्शन होना नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ये प्रॉपर्टी होती है दैट द टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आया होगा। दिस टॉपिक इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई एडवाइज़ यू टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स। थैंक यू।